हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे विद्यार्थी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार सारे के सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी बच्चे इस लाइव सेशन में ऐड नहीं हो पाए, आप प्रयास कीजिए उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। सब लोगों को बताओ आवाज वगैरह एकदम प्रॉपर चल रही है, एक बार यस का मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स में। सभी बच्चे एक बार यस का मैसेज कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सबके मैसेज में देख पा रहा हूं यहां पर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे एसएससी जीडी का जो लाइव बैच चल रहा है उसकी सेशन की लाइव क्लास रखी गई है। इस क्लास को डेमो के रूप में यूट्यूब के ऊपर भी अभी ये क्लास चल रही है, आप लोग इस सबको देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को पता होगा जो पिछला वीक था, उस पूरे वीक में आप लोगों को जो भी एडवांस का पोर्शन था, चाहे वो क्षेत्रमिति हो, आयतन हो, ये दोनों टॉपिक आपके जयपाल जी सर के द्वारा कंप्लीट करा दिए गए थे, और स्टैटिक वाला जो बेसिक पोर्शन आता है उसके बारे में भी बातचीत हो चुकी थी। एक सर की क्लास अभी और होने वाली जिसमें जो एक थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब जो मेरी क्लास है एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी, मतलब जब तक हमारा एक कोर्स एंड हो जाता है। ठीक है, अभी मेरी क्लास अब रेगुलर रहेगी रात 9 बजे, और एक या दो दिन के बाद हम लोग इस क्लास को एक 9 बजे रात में भी रखेंगे, और एक मॉर्निंग का टाइम भी आपको बताया जाएगा, उस टाइम भी हम लोग रखेंगे। ओके, चलिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने जो बैच है हमारा एसएससी जीडी का, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो एसएससी जीडी का हमारा जय हिंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स के लिए डेडिकेटेड बैच है जिसमें पूरा टॉपिक सॉल्यूशन, उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, और आप लोगों के मॉक टेस्ट देने का भी इसमें मौका आपको मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा एसएससी जीडी का टारगेट करते हुए तैयारी कर रहा है वो इसको ज्वाइन कर सकता है, और जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का फेज 2 हो गया या फिर ग्रुप डी एग्जाम की, वो हमारा मिशन रेलवे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो सेशन को हम करते हैं शुरू। ओके, सब लोगों को आवाज वगैरह एकदम सही चल रही है। ओके, तो सबसे पहले बातचीत करते हैं हम, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं क्यों कह रहा हूं आपको बार बार, ये टॉपिक अगर आप सही मायने में समझे तो एसएससी जीडी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है, आप अपने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं वो आपके इसी टॉपिक से बने हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 25 में से आपको पूछे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं अपने आप में कितना बड़ा वेटेज है इस टॉपिक का। ओके, तो बहुत बढ़िया से इस टॉपिक को आप लोगों को कवर करना है। अब सबसे पहले बातचीत करते हैं लाभ और हानि की। मैं बहुत बेसिक चीजें आपको सबसे पहले समझाने वाला हूं। एक नाम आपने जरूर सुना होगा, क्रय। नहीं सुना हो तो आज जरूर सुन लीजिएगा, इस टॉपिक में हमें इसी की जरूरत पड़ने वाली है। और एक आगे चल के मैं आपको बात बताने वाला हूं, वो होगा हमारा अंकित मूल्य। ओके, चलिए, तो सबसे पहले बातचीत करते हैं हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इन सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं क्रय की। तो क्रय का मतलब क्या होता है इसकी बातचीत करते हैं यहां पर। क्रय का मतलब होता है किसी भी वस्तु को खरीदना। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी हो, 90% बच्चों को ये जो बेसिक चीजें हैं लगभग मान लीजिए पता भी होगी, लेकिन मुझे उन 10% को भी सिखाना है जो इस बैच में सीखने के लिए ज्वाइन किए हैं अभी। ठीक है, तो शुरुआत का जो बेसिक वीडियो होता है वो आप जरूर देखिए, इसके थोड़ी देर बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे तब लोग आप लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको समझ पाएंगे। विक्रय का मतलब होता है यहाँ पर बेचना। ओके, और ये होता है आपका अंकित मूल्य। जब मैं आपको डिस्काउंट से संबंधित प्रश्नों की जानकारी दूंगा तब इसकी जरूरत हमें आगे चलकर पड़ने वाली है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और इसको बोलते हैं मार्क प्राइस।
ओके, किसी भी वस्तु को खरीदना उसका क्रय मूल्य कहलाता है और किसी भी वस्तु को बेचना उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस दिन आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, ओके, निश्चित रूप से, ब्राइटनेस को थोड़ा सा मैं कर देता हूं, यानी एक मिनट रुकिएगा, ओके, निश्चित रूप से इस टॉपिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोगों के यहां पर क्लियर हो जाएंगे जब ये बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं वो आप सीख लोगे तब, ओके। चलिए, तो क्लियर हो चुका है, किसी भी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है, किसी भी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है, और किसी वस्तु पर क्रय मूल्य के बाद कुछ बढ़ाकर जो राशि अंकित की जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी दुकानदार को डिस्काउंट देना होगा तो जितने में वो लाएगा उतने में नहीं बेचने वाला। मान लीजिए कि रिमोट है, मान लीजिए वो 100 रुपए में लेकर आया तो वो 100 रुपए में नहीं देने वाला, वो 100 रुपए से कुछ बढ़ाएगा। मान लीजिए 50 रुपए बढ़ाए तो मान लीजिए उसमें अगर वो डायरेक्ट बेच देता है तब तो सीधा उसका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, लेकिन वो कह रहा है मैं 100 रुपए वाले के 150 रुपए नया अंकित करवाया, और फिर वो बोलेगा मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी लाभ या हानि होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, और जब भी बट्टा दिया जाता है, इंग्लिश में जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, वो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। वापस मेरी बात को आराम से सुनना, जब भी किसी वस्तु पर लाभ या हानि का पूछा जाए, आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। गलती से भी लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर कभी भी नहीं करनी है। अगली बात, किसी भी वस्तु पर अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट की दर पता जो की जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर पता की जाती है, मार्क प्राइस पर, ओके। तो तीन चीजें मैंने अभी आई बताई यहां पर, किसी भी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है, किसी भी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती, और किसी वस्तु पर बढ़ाकर किया गया मूल्य बढ़ाया गया मूल्य हमेशा अंकित मूल्य कहलाता है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, और देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप समझ नहीं सकते कि कितने सारे अभी जो रीट का एग्जाम हो, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, दोनों के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बने। और आज का वीडियो, वैसे ये वीडियो में तो हम लोग 3-4 दिन अच्छे से पढ़ने वाले हैं, 4 से 5 दिन ये टॉपिक चलेगा, लेकिन आज वाला वीडियो भी पढ़ लोगे तो इन एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बहुत सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम करने वाले, जीडी के अंदर तो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट और लॉस के, तो उन सारे क्वेश्चंस को कवर करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है। तो आप जो भी बच्चा हमारे मैथ्स के बैच को ज्वाइन करना चाहता है वो इस जय हिंद बैच को ज्वाइन कर सकता है, डेडिकेटेड बैच है एसएससी जीडी का मैथ्स के लिए, ओके। अब बातचीत करते हैं यहां पर, जो भी बच्चा ऐसे ही एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहा है, पटवार की, ग्राम सेवक की, तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग हमारा जो आर एस अग्रवाल का बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन उस बैच के अंतर्गत करवाया गया है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले बातचीत करते हैं, मैं आपके यहां पर एक सिंपल सी बात रखता हूं, किसी वस्तु को मान लीजिए 6000 में खरीद कर आप अगर 8000 में बेच रहे हैं तो ये कौन सी कंडीशन बन जाती है लाभ की, और किसी वस्तु को अगर आप 6000 में खरीद कर उसे 5000 में बेच रहे हैं तो ये किसकी कंडीशन बन जाती है हानि की। इसको थोड़ा गणना और अच्छी करने के लिए हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, और इसको आप यूं कर सकते हो 8400। अब देखो, आपने एक वस्तु 6000 में खरीदी और 8400 में बेच दी, तो मुझे बता सकते हो लाभ की कंडीशन हुई या हानि की? तो आप सबको पता ही लाभ की कंडीशन है, तो आप सब एक ही कहेंगे इसमें लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हुआ? 2400 का। अब इसके लिए फॉर्मूले वगैरह याद नहीं करो, विक्रय मूल्य माइनस करे मूल्य, वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो कि वो एक चीज अगर हम 6000 में लाएंगे 8400 में बेचेंगे तो लाभ कितने का हुआ? 2400 का। कितने के ऊपर हुआ? 6000 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा किससे? 100 से। आपको पता चला मैंने बटे में 6000 क्यों रखा? क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। यहीं पर देखिए हानि हो रही है, हमें हानि कितने की हुई? 600 की हानि हुई। कितने के ऊपर हुई? 6000 के ऊपर,
और परसेंट के लिए गुणा किससे करें, 100 से। तो हमेशा ध्यान रखना लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर मापी जाती है। ओके, इस आकलन जो भी आपको करना है इसके ऊपर कंप्लीट करना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, यहां पर जो लॉस होगा वो 10% हानि होगा, और जीरो से जीरो यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। इसको हम 40% लाभ बोलेंगे, इसको हम 10% हानि बोलेंगे, लेकिन दोनों ही गणना आप लोगों ने क्रय मूल्य पर की है। ओके, चलिए, ये तो होगी बहुत सिंपल सी बात जो हमें जरूरत पड़ती है। अब मैं आगे की बातचीत यहां पर करने वाला हूं। जैसे देखिए, ये आप है, चलो फोटो एडजस्ट कर लेना थोड़ा, है ना, ठीक ही बना होगा। ठीक है, अब जैसे आप मान लीजिए चयनित हो गए, आपने एक छोटी सी गाड़ी ली यहां पर, ठीक है, ये देखो एक गाड़ी है। अब इस गाड़ी को सबसे पहले आप लोगों ने एक गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी की मूल्य जो था वो 60,000 था। ओके भी 60,000, फिर क्या हुआ, आपने ये गाड़ी है ना नई नई खरीदी, आपने इस गाड़ी को किसी दोस्त से, किसी मित्र से यहां से परचेज किया है, तो इसको सबसे पहले आपने जो उस मित्र से खरीदा तब इसका क्रय मूल्य कितना था, 60,000। फिर आपको पता चला कि इस गाड़ी के जो ये टायर है ये गए हुए टायर, मतलब ये काम के नहीं रहे, तो आपने 4 टायर डलवा दिए, चारों के चारों टायर नए डलवा दिए। अब जैसे ही नए टायर यहां पर डलाए तो आपका 20,000 का खर्चा हो गया। फिर क्या हुआ, फिर आपको पता चला कि इस गाड़ी की हमें एक सर्विस भी करानी है, तो सर्विस कराई आप लोगों ने इस गाड़ी की बढ़िया से, ठीक है। जैसे ही इस गाड़ी की सर्विस, या इसमें यू समझ लीजिए कुछ पार्ट्स वगैरह डला दिए, मरम्मत समझ लो, कोई पार्ट टूटा फूटा था, तो उस पर आपने 10,000 खर्च कर दिए। ओके, 60 में लाए थे, 20,000 के टायर लगा दिए और 10,000 रुपए आपने और खर्च कर दिए। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इस गाड़ी को बेच दूंगा, और जैसे ही आपने चाहा तो आपको एक खरीदार यहां पर मिल गया, और जब वो खरीदार आपको मिला तो आपने बोला मैं ये गाड़ी आपको 91,000 में दूंगा, 91,000। अब आपको ये सोचकर बताना है, यहां से काम करता, अच्छा एक बढ़िया क्वेश्चन बनाते ताकि थोड़ा आप लोग इस चीज को समझें। आपने इसको 60,000 में बेच दिया, अब मुझे आप आराम से ये बताइए, 60 करें या फिर इसको एक मिनट को 90 कर दो, 90 कर दीजिए, 90,000 में बेचे तो कितना लाभ या कितना हानि। मैंने 90 इसीलिए लिखा, वैल्यू तो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखा ताकि थोड़ा आपका जो डाउटफुल कंफ्यूजन रहेगा ना वो इससे दूर हो जाएगा। प्रयास कीजिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने की, जल्दी बताओ इस व्यक्ति को लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हुआ तो कितना हुआ, हानि हुई तो कितनी हुई, नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ, जल्दी मैसेज करो, मैं सबके मैसेज पढ़ पा रहा हूं अभी। जल्दी मैसेज करो, ना लाभ ना हानि, किसी का अलग अलग उत्तर भी आ रहा है। चलिए सबके अलग अलग आंसर्स बन रहे, ऐसा क्यों अभी। ओके, जितने भी बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, एक बार जरूर मैं उम्मीद करूंगा कि वो सभी बच्चे इस वीडियो सेशन को उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दें जो SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक छोटी सी जिम्मेदारी आप लोगों की जरूर बनती है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, आपने इसको कितने में खरीदा, 60,000 में, 20,000 आपने ये टायर डला दिए, तो इसका खर्चा आपको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं देने वाला यहां पर खर्चा, 10,000 रुपए की आपने मरम्मत कर दी। तो मुझे ये बताइए 60 और 20, 80 और 10 कितने, 90। अब आप ये बेच रहे हो 90,000 में। बहुत सारे बच्चे यहां मैसेज में ये भी कह रहे हैं कि 30,000 का फायदा हुआ। एक बात सोच के देखो, ये भी तो खर्चा आपने किया, ये भी खर्चा आपने किया, तो इसका मतलब अब आपकी जो लागत है इसको हम बोलते हैं शुद्ध क्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध क्रय मूल्य, इंग्लिश में हम इसको नेट कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ओके, तो 60 20 80 10 90, तो एक्चुअल में ये जो कार है ना, कहने को तो 60 की थी
लेकिन आपको ये कार पड़ी कितने की? 90,000 की। और आपने इसको बेच भी कितने में दिया? 90,000 में। क्लियर है? 90 में ही खरीदा, 90 में ही बेच दिया, तो क्या हो गया? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हो गया? नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कंडीशन यहां पर बनेगी, ना तो आपको लाभ हुआ ना ही आपको हानि हुई। क्लियर है मेरी बात? चलो, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कभी कभी कोई व्यक्तिगत खर्च का जो क्वेश्चन बनता है, जिसका इस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, कि अभी आप गाड़ी खरीदी, गाड़ी पर टायर का खर्चा आया, मरम्मत, और आप कह रहे हो मैं तो गाड़ी के साथ साथ एक टेलीविजन भी लेकर आ गया, ठीक है, अब आप उसका खर्चा इस गाड़ी के अंदर ऐड नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो इंडिविजुअल हो, मतलब जिसका इस रिलेशन नहीं हो इससे, तब उस कंडीशन में उसको ऐड नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो ये बेसिक बात थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बातचीत की क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य की डेफिनेशन मैंने बताई है, किसी भी वस्तु को खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। किसी भी वस्तु को खरीदना क्या कहलाता? क्रय। उसके बाद हमने बातचीत की विक्रय मूल्य की, किसी भी वस्तु को बेचना क्या कहलाता? विक्रय मूल्य। उसके बाद हमने बातचीत की लाभ या हानि की, तो लाभ या हानि की गणना, गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगी। ये बहुत छोटी और बेसिक बातें हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को अच्छी भी नहीं लग रही होगी, क्योंकि उन जिन बच्चों को पता उनको लगेगा इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे। लेकिन पता है दिक्कत कहाँ आती है? बहुत बार जब बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, जब आप क्या करते हैं, खरीदना और बेचना पड़ के जाते हैं, खरीदना बेचना, वहां पर क्रय और विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट बन जाता है, तब दिमाग घूम जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को अगर क्लियर कर लोगे ना, क्रय और विक्रय वाली बेसिक बात समझ में आ गई ना, जब मैं आपको बोलूंगा ना इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि खरीदने वाला मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए याद रखो, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। देखो, क्रय को बोलने में कम टाइम लगता है, विक्रय को बोलने में ज्यादा, यानी किसी वस्तु को खरीदने में टाइम कम लगता है, उसको बेचने में अधिक टाइम लगता है। ठीक है, अब यहां हो चुका। और याद रखना डिस्काउंट यानी बट्टा, तो बट्टे के लिए याद रखा करो डिस्काउंट यानी कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर होगा, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, बट्टा कभी क्रय मूल्य पर गणना मत करना, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ओके, तो ये चार इंपॉर्टेंट बातें थी, उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि इसी के ऊपर आगे चलकर हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए अब मैं बातचीत यहां पर करता हूं आप लोगों के सामने। किसी भी वस्तु पर अगर आपसे बोले कि 10% का लाभ हो गया, तो हम सीधा कहेंगे कि अगर 10 का लाभ हो गया तो हम कहां पहुंचे? 110। मैं आप में से मान लीजिए 50 बच्चों को पूछूं, तो 50 बच्चे इस बात को लिख देंगे कि सर 100 पर 10 का लाभ है तो 110, और 100 पर 10 की हानि है तो 100, 100 पर 10 की हानि है तो 90। लेकिन यहां से एक बात समझो, आप इस चीज को आज के बाद क्लियर रखो कि 100 पर 10 का लाभ हुआ, 110 आते ही आप ये क्लियर कर लो कि ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। इस चीज को समझ लोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ये आपके या तो लाभ होता है तो जुड़ जाता है, हानि होती है तो घट जाता है। अगर मैं कहूं 100 पर 30 की हानि, तो अगर आप 30% हानि है तो मुझे अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो आप कहोगे 70। मुझे बेचने का मूल्य नहीं बोलना पड़ेगा, मैं सीधा बोलूंगा 100 पर 30 की यानी विक्रय मूल्य बताओ, तो आप कहोगे 70। 100 पर 20 का लाभ है तो विक्रय मूल्य, तो आप कहोगे 120। क्योंकि आप इस चीज को समझ चुके हैं कि क्रय क्या होता है और विक्रय क्या होता है। तो वस्तु पर जब भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य में जुड़ जाता है और नया विक्रय मूल्य मिल जाता है, और जब भी हानि होती है तो 100 पर 30 की हानि होगी तो विक्रय मूल्य 70 होगा। ये तो होगी बहुत बेसिक बात, लेकिन एग्जामिनर क्या करते हैं, क्योंकि देखो जीडी के एग्जाम में कितनी सारी, पिछली बार लगभग 54 शिफ्ट हुई थी। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि लगभग 5 अक्टूबर के अराउंड आप लोगों को एसएससी जीडी की बुक अवेलेबल हो जाएगी, आपके जितने भी नजदीकी बुक स्टोर वगैरह है, अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट, इन सब जगह। ओके, वो एंड प्रोसेस पर है, तो जल्दी आप लोगों को उसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी ऐसे प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन देता है, 11 से 1/9 का लाभ हो गया, या फिर 12.5% की हानि हो गई, समझ रहे हो, या फिर ऐसे बोल दे भी 14 से 2/7% का लाभ हो गया, या फिर 66 से 2/3% की हानि हो गई। अब एक बात सुनना,
जिस बच्चे ने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, आपको पता होगा हमारा जो बैच चल रहा है उस बैच में मैंने इस टॉपिक से पहले परसेंटेज करा दिया, एवरेज करा दिया और रेशियो करवा दिया, तो निश्चित रूप से आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा होगा और वहां मैंने बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर की थी कि आप लोग वैल्यू को परसेंटेज फ्रैक्शन में आने पर कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर भी बता देता हूं जानकारी के लिए, ठीक है, किसी बच्चे को नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, 11 से 1 बटा 9 सबसे पहले हम बदलेंगे, 11 × 9 हो गया 99 और प्लस 1 करेंगे तो आ गया 100/9, कोई तकलीफ नहीं है। ये तो सिर्फ इसका मान आया, ध्यान रखना परसेंट है तो बटे में 100 भी आता है, क्योंकि जब परसेंट दिया रहता है तो बटे में 100 आता है और 100 से 100 कैंसिल होते ही इसका मान होता है 1/9। तो मैं थोड़ी देर बाद जब इसके सामने 1/9 रखो ना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वैल्यू आई कैसे। तो वैल्यू देखो, मिश्र बिन को पहले सरल बिन में बदला, बिनों के 3 प्रकार होते हैं, उचित बिन, अनुचित बिन, मिश्र बिन। उचित मतलब जब अंश छोटा होता हर से तो बिन उचित कहलाती है, जब अंश हर से बड़ा हो जाता है, अंश जो ऊपर होता है वो अंश कहलाता है, जो बड़ा हो जाता है अंश तो फिर अनुचित बिन कहलाती है, और जब ऐसे 3 वैल्यू आती है तो उसको मिश्र बिन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको बदला तो 100/9 है, आपको सर ये कहां से आया, परसेंट था तो बटे में 100 आया, कैंसिल होते रिजल्ट 1/9, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहां पर देखो, इसकी वैल्यू का मान 1/9 होता है, इसका मान 12.5% का 1/8, इसका मान 1/7 होता है, इसका मान 2/3 होता है। अब जैसे मैंने बोला था कि 10% बढ़ाओ तो आप 100 से 110 पहुंच गए थे, वैसे ही अब आपको क्या करना, ध्यान देना, मैं अगर करूं 11 से 1/9% का लाभ है तो 9 पर ये ऊपर वाला ही लाभ होता है, ये ऊपर वाली ही हानि होगी, 9+1 तो हम 10 पर पहुंच जाएंगे। देखो 12.5% की हानि, तो देखो 8 पर ये ऊपर जितना 2 होता तो 2/3 होता तो 3, तो हानि है ना, तो माइनस करते विक्रय मूल्य आ जाएगा 7। 14 से 2/7% का लाभ, तो देख लो 7 पर ऊपर कितनी वैल्यू, 1, तो लाभ हो गया, तो हम कहां पहुंच गए, 8 पर। 66 से 2/3% हानि, तो सुनो अब देखो, अब हर बार एक मत कर देना है ना, 66 से 2/3 का मान कितना होता है, 2/3, लाभ होगा तो जोड़ लेंगे, हानि हो रही है तो -2, रिजल्ट इज 1। तो ये प्रक्रिया आपको समझनी है, बेसिक चीजें भी सीखिए, साथ साथ में ऐसा भी सिखा रहा हूं ताकि कभी इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़े तो आप घबराए नहीं। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी हम लोग जो ये क्लास तो चली रही है, जो भी पेड बैच के बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, टाइम पर अगर टॉपिक अगर बहुत अच्छे से क्लियर करने तो आप इस बैच को, डेडिकेटेड बैच है, बहुत कम फीस रखी हमने, आराम से उसको ज्वाइन कर लो। अभी जो फीस चल रही है इस बैच की 299 फीस है इसकी, वैलिडिटी इसकी 1 ईयर के एग्जाम पहले भी हो जाता तब भी इन वीडियो सेशन को आप 1 ईयर तक आराम से देख सकते हैं। ओके चलिए, ताकि और भी कोई एग्जाम फाइट करते हैं तो उनमें भी ये टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वो अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि आप सोच के जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा था तो मुझे जहां तक पता है या परसेंटेज अनुपात में 150 क्वेश्चन हमने ऐसे पढ़े थे टॉपिक बाय टॉपिक में, और लगभग 100-150 क्वेश्चन ही हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में पढ़े, तो बहुत अच्छे से हर टॉपिक क्लियर हो रहा है। बढ़िया से पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर होगी, जैसा टॉपिक होता है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। चलिए क्लियर है, तो कोई मुझे यह बता सकता है इसी क्वेश्चन में, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि यहां पर 16 से 2/3% की हानि होती तो भिन्न क्या से क्या बनती, जल्दी मैसेज करके बताओ सभी बच्चे, 16 से 2/3% की हानि होती तो क्या बनती, जल्दी मैसेज करो। कितना बताए उत्तर, 1/3, 5, पांच बताए बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है ठीक है।
चलिए ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है, तो आराम से समझो। 16 से 2/3 का मान होता 1/6, तो आपको मैंने बोला 6 पर अगर 1 की हानि होगी तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब कल को बोल दिया अभी 11 से 1/9% की हानि होगी, तो फिर 100 में से घटाना बहुत भारी पड़ जाएगा, गणना करनी उससे भी भारी। लेकिन आपको फ्रैक्शन याद है तो आप 9 से 1 घटाकर 8 लिख सकते हो और गणना आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको क्रय मूल्य भी मिल चुका और विक्रय मूल्य भी मिल चुका है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको क्रय मूल्य दिया होगा, क्रय मूल्य दिया होगा तो आपसे विक्रय मूल्य ज्ञात करने को कहा जाएगा, और जब भी विक्रय मूल्य दिया होगा तब आपको यहां से हमेशा क्रय मूल्य पूछा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि 100 पर 10 का लाभ 110, 20 का लाभ 120, 10 की हानि 90, 20 की हानि कर दूं कहां पहुंचे 80। ये जो सारे मूल्य आपके सामने दिख रहे हैं ये क्रय मूल्य को दर्शाते हैं, और ये जितने भी प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन बन रही है ये हमेशा विक्रय मूल्य को दर्शाते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये हमेशा क्रय मूल्य को दर्शाता और ये हमेशा विक्रय मूल्य को। कोई दिक्कत नहीं इस बात में? चलो ओके, क्या अब हम प्रश्नों की ओर प्रस्थान कर सकते हैं? एक चीज आपको परसेंटेज वाली और भी याद रखनी है कि लाभ और जो हानि होती है, लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन जो कम और अधिक होता है वो हमेशा अंतर को दर्शाता, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब मैं कुछ प्रश्नों के साथ सेशन को आगे बढ़ाता हूं। ओके, तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे आंसर बताएं। थोड़ी जो बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया, लेकिन आगे चलकर मैं जब बट्टे के और क्वेश्चंस कराऊंगा, इसी में हम बट्टा भी पढ़ने वाले हैं, तब मैं आपको बट्टे से क्रमिक बट्टा क्या होता है, बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन कैसे थ्योरी, तो जब वो पोर्शन आएगा तो उसकी थ्योरी उसके साथ मैं और कराऊंगा आगे चल के। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो भी आज ये डेमो सेशन से हमारे से टॉपिक का, तो उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अरे अभी बता दिया ना ऐप के ऊपर है, तो आप पेड बैच ही हुआ ना, आपको बता दिया अभी, जिसको भी ज्वाइन करना बच्चा ज्वाइन कर सकता है। और ये यूं समझ लो पेड बैच तो तब होता है, यूं कह सकते हैं पेड बैच भी नहीं, फ्री की तरह ही है। पेड बैच होता है जब इसकी फीस 2-3 हजार होती है मैथ्स की, तब एक पेड बैच होता है। हमने जो फीस रखी बहुत रिजनेबल फीस है अभी, SSGD बैच की 299, ठीक है, अभी चल रही है ना, अभी इसके बाद इंक्रीज हो सकती है, जो भी बैचेज है मिनिमम फीस हमने रखी है जिसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके चलिए, तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 6000 है और इसका विक्रय मूल्य 5400 है, तो हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना। तो किसी वस्तु को अगर हम 6000 में खरीदें और उसको 5400 रुपए में बेच दें तो मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ? तो आप सब कहेंगे 600 रुपए का लॉस हुआ। कितने के ऊपर? ये अपनी कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य, तो आप कहोगे 600 का लॉस 6000 के ऊपर गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो जो हानि होगी वो 10% होगी, और 10% हानि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी इज द परफेक्ट आंसर। ओके क्लियर है सभी बच्चों को? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जल्दी हमारा जो ये पेड बैच चल रहा है इसके अंदर अब जो क्लास का टाइम है वो इवनिंग रात 9 बजे तो रेगुलर रहेगा ही, एक मॉर्निंग का भी टाइम है, आपको 1-2 दिन में आप सब वापस सेटल हो जाओ, क्योंकि पिछले वीक मेरी क्लास नहीं हुई है, एडवांस की क्लास चल रही थी, उनके सर के टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो अभी आगे से मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम टाइम बढ़ाएंगे, एक आध टाइम सुबह भी मैं आपकी क्लास लूंगा, उसका मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कब से होगी वगैरह। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? अब होता है कि जब ऐसा प्रश्न आता है ना, जब अनुपात की बात हो जाती है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4। अब सबसे पहले तो आधे से ज्यादा बच्चे ये सोच लेते हैं कि भी अनुपात का मतलब बटा होता है, ये समझ लो कोई दिक्कत नहीं उसमें तो, लेकिन आधे से ज्यादा ये सोच रहे होंगे कि 3 से 4 में बेचा तो हानि कैसे हुई, बहुत जन यही सोच रहे होंगे, पर उन्होंने इससे पहले ये नहीं पढ़ा कि यहां लिखा है
कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, क्रम चेंज कर दिया। तो मुझे आप एक चीज बताओ, बेचा 3 में था जबकि खरीदा 4 में है, अब मुझे बताओ 4 से 3 में लाभ होगा या हानि होगी? अब आपको पता चल गया कि भैया हानि होने वाली है। जब अनुपात आ जाए तो आप इसी को क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का रूप दे दीजिए, ठीक है? आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो कुछ मानना चाहते हैं, तो एक काम करो, इसको 300 मान लो, इसको 400 मान लो, इसको 3000 मान लो, इसको 4000। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले रेशियो कॉन्सेप्ट में, ओके? तो यहां देखो 4 से 3 में मुझे बताओ नुकसान 1 का कितने पर 4 पर परसेंट के लिए गुणा 100, और 4 से 100 को जब कैंसिल करेंगे तो जो आंसर होगा हानि का वो 25% बनेगा। तो जिन जिन बच्चों ने ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर होने वाला है। लॉस कितना हो जाएगा? 25%। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? चलिए सभी को समझ में आ रहा है, एक बार यस का मैसेज लिख दो सभी बच्चे कि बिल्कुल यहां तक की सारी बातें क्लियर हो चुकी है। जो थ्योरी पोर्शन कराया था वो भी समझ में आ गया, और ये जो बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर रहेगा। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है। अब देखो ये आपके खुद के शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? जितने भी बच्चे एसएससी जीडी के देख रहे हैं, आपके खुद के शिफ्ट का क्वेश्चन है 12 फरवरी के तहत, ठीक है? और ये 14 फरवरी, बस ये देख लो यहां क्या चेंज हुआ, वैल्यू का चेंजेस हुआ, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो जल्दी से बताओ क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है इस बैच में आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ में सीखने को मिलने वाले हैं, तो इसका ऐसा मौका आप गंवाना नहीं आप अगर तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है अभी? चलिए, और तैयारी कर नहीं रहे हो तो फिर बैच लेने का मतलब नहीं है। ऐसे नहीं कि आप बस बैच लेके रख दिया तो उसका कोई औचित्य नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए आपको। आप डेडिकेटेड तैयारी इस एग्जाम की कर रहे हैं तो फिर ये बैच ज्वाइन कीजिए, तो बेनिफिट भी रहेगा उस चीज का, सिर्फ बैच लेके रखना नहीं है, ओके? चलिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो वही बात यहां से देखो, अरे भैया कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य 5 रुपए है और आप 7 में उसको बेच रहे हो, एग्जामिनर ने क्रम चेंज किया, आपको तो पता है ना, यहां पर दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, समझ रहे हो? अभी यहां क्या करना है आपको, 5 से 7 में 2 का प्रॉफिट 5 के ऊपर गुणा 100, और 5 से ये 20 बार, तो रिजल्ट आ जाएगा 40% प्रॉफिट, यानी 40% लाभ। अब मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे प्रश्न गलत नहीं करेंगे। क्या सभी को समझ में आ रहा है? एक बार जय हिंद का मैसेज लिख दो सभी बच्चे। सबको समझ में आ रहा है तो एक बार जय हिंद का मैसेज लिख दो। बहुत बहुत थैंक यू सभी बच्चों का, पुष्पेंद्र, रश्मि, पूजा यादव, प्रेम कुमार, सीताराम, ज्योति, नगेंद्र, जितेंद्र, मुकेश पाल, विजेंद्र, रिंकू। चलिए बहुत फास्ट नाम आ रहे हैं, जितने भी हमारे पेड बैच के बच्चे हैं। चलिए ठीक है सर, एजुकेशन अरबी टॉपिक शुरू हुआ तो शुरुआत में तो भी अब सीधा अब विद्वान कैसे बनाए आपको, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो चीजों को समझिएगा, ओके? चलिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने थोड़ी देर पहले एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रखा था कि जब भी क्रय मूल्य दिया हुआ होगा तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, और जब भी विक्रय मूल्य दिया होगा तो आपसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा। ये दो बात आप ध्यान में रखना बस। तो सबसे पहले देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है, बहुत अच्छी बात है भी, 1240 है, यदि तथा इस पर 32% हानि है तो मुझे आराम से ये बताओ 100 पर 32 की हानि कहां पहुंच जाएंगे हम, 68 पर, यही होगा। तो आप बताइएगा 1240, अब सुनना मेरी बात आराम से, समझने वाली बात यही पर है, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य। ये कैसा है पता चला? अरे 32 का लॉस हुआ था ना इससे। अब यहां देखो हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, जो बात पूछे उसको ऊपर रखना है। विक्रय मूल्य
ऊपर रखा। 100 में लाए थे, 12 32 के नुकसान पर बेचा 68 पर, 0 से 0 कैंसिल। जब इनका गुणा करोगे तो आ जाएगा देखो 8 × 3 = 32, इकाई अंक लास्ट में देखो यहाँ 2 आ नहीं रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, ये रहा देखो 8 × 8 = 43, 20 आएगा। लेकिन सुनो, एक जीरो तो कैंसिल, ये बढ़ेगा 8,432, नीचे एक 10 है तो इसका मतलब एक अंकों पर पॉइंट लगेगा। तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ पर बनने वाला है। तो जिन भी बच्चों ने ये आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही हो। पता चला मैंने 68 ऊपर क्यों रखा, अरे खरीद मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य लाना है, और जो बात पूछे उसको हमेशा ऊपर रखना है। अगर आपने प्रतिशत पढ़ा है तो मैंने एक जनसंख्या वाला क्वेश्चन कराया था, 2 साल बाद की जनसंख्या, 2 साल पहले की जनसंख्या, तो बाद का प्रश्न हो तो बाद वाली वैल्यू ऊपर आती है, पहले का प्रश्न हो तो पहले वाली। वैसे ही यहां पर है, विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य को ऊपर रख दिया, अगर क्रय मूल्य लाना होता तो फिर हम उस टाइम विक्रय मूल्य दिया आता, सीधी सी बात है, तो फिर हम क्रय मूल्य को ऊपर रखते। लेकिन ये पहचान तो होनी चाहिए ना, ये खरीदना होता और ये बेचना होता। क्या समझ में आया सभी को? अरे समझ में आ रहा ना, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा आ जाना चाहिए, और कुछ नहीं बस, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहिए, कोशिश आप जितना एफर्ट करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जो बच्चा पहले दिन से पढ़ रहा है नो डाउट 100% जो टॉपिक इतने दिन वो पढ़ रहा था उसके प्रति उसका रवैया जरूर चेंज हुआ होगा, अगर उसने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में सुधार किया है तो। ओके चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 है, हानि 22% है, तो कुल हानि क्या है? अब देखो थोड़ा सा मैं एक काम की बात बताऊंगा यहां पर। यह क्वेश्चन में क्या विक्रय मूल्य पूछा आपसे? नहीं पूछा, हमें तो सिर्फ पूछा है कि भैया हानि हुई है तो हानि हुई कितने रुपए की। कोई बात नहीं, हमारा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना था? 1126। एक और चीज कहना चाहूंगा, जब इस पेपर को आज पहला दिन पढ़ लेते हो ना, उसके बाद आपके पास अगर पेपर्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जल्दी बुक आने वाली है, उसमें आप लोग आराम से मंगा सकते हैं जहां से भी अवेलेबल होगी, उसमें ये सारे टॉपिक बाय टॉपिक अरेंज भी होंगे, आप खुद भी उनको मिला सकते हैं, ठीक है। या आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप उसमें देखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन जब होंगे तो आप जितने क्वेश्चन आज पढ़ने के बाद सोल्व करते जाते उनको टिक करते रहिएगा कि भाई आज वाले सेशन में हम लोगों ने ये क्वेश्चन कवर कर लिया। ओके, तो यहां सिर्फ हमें हानि पूछी है, ये नहीं पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य 1126 से हानि 22%, 22/100। अब देखो 6 × 2 = 12, इकाई अंक 2 आएगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, उत्तर तो भैया इन दोनों में से कोई ना कोई है, तो एक कदम हमें आगे चलना ही पड़ेगा। 22 × 6 = 132, 13, 22 × 2 = 44 और 13, 7 और 57 में 7 आ गया 5, लास्ट में 72 बचेगा, वैसे ये उत्तर मिल चुका है लेकिन फिर भी आगे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ बटे में 100 है तो 2 अंकों पर पॉइंट आ जाएगा, ये आपकी हानि हुई 247.72, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात करना था, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत इसमें नहीं रहनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 928 है, लाभ 15% है, तो कुल लाभ क्या होगा? तो अब देखो वही कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है 928 और लाभ 15% है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका 15% लाना पड़ेगा, क्लियर इट। चलिए 5 से देखो कितनी बार, 3 बार, और 5 से बोलोगे 20 बार, फिर देखो 2 से कितनी बार, 4 × 2 = 8, 1, 6 और 4, और 4 2 से कितनी बार, 10 बार, 4 × 3 = 12, 18 = 19, 12 × 1 = 13, तो बटे में आ गया 10, तो आ जाएगा 139.2, 20 रुपए, 139.20 रुपीज आपका उत्तर बन जाएगा। कितने जनों ने ये आंसर दिया देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया,
फोर्थ में क्या है भी? अरे भैया यहाँ विक्रय मूल्य पूछा है, 32 की हानि हुई है, लाभ मत कर देना यहाँ पर। 1240 में खरीदा था और 32 की हानि हुई है, तो कहाँ पहुंच जाओगे? 68 ही होगा ना, तो 124 × 68 करना था। एक बच्चे को इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। अब इसमें कैलकुलेशन को कंफ्यूजन कभी मत बनाना, ध्यान रखना आप। ओके चलिए, क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन के बाद? ठीक है, ये दोनों हो चुके हमारे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है क्वेश्चन की। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो परसेंटेज में पढ़ा था ए बी से 10% अधिक है, ए बी से 10% कम है। अब सॉल्व कर सकते हो, अरे भैया 30% कम है 70 पर, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब मुझे बताओ, 70 में खरीद कर अगर आप 100 में बेच रहे हैं तो लाभ तो 30 का होगा ना, कितने पर? 70 पर। परसेंट के लिए मल्टीपल 100, तो आ जाएगा 300/7। 7 × 4 = 28, फिर 2 बचे, 7 × 2 = 14, फिर 6 बचे 42, सही 6/7, तो बन जाएगा 42.86 इज द परफेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों ने यह आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। वापस ध्यान से सुनो, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है, 100 से 30 कम 70, तो लाभ कितना हुआ? 70 से 100 में 30 का लाभ 70 के ऊपर गुणा 100, तो आ गया 300/7, 42 से 6/7 जो होता है, 42 वाला वैसे एक ही ऑप्शन है, तो ये दोनों तीनों होंगे नहीं, ये हमारा राइट आंसर। देखो जीडी के एग्जाम के अंदर आपको भी पता है टाइम थोड़ा कम रहता है, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड को सोचना है। आपको पता है 7 से 30 चार बार कटेगा, तो 4 यहाँ कहीं है नहीं इन तीनों में, तो पूरी गणना करने का आपको कोई स्पेशल अवार्ड नहीं मिलेगा कि लीजिए सर आपने पूरी गणना की है, तो आपको बहुत अच्छा अवार्ड नहीं मिलने वाला। ध्यान रखना, जितना इन कैलकुलेशन में आप टाइम बचा सकते हो बचाने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। रोहन 275 रुपए प्रति टेबल की दर से, प्रति टेबल की दर से कुछ टेबल खरीदता, कितनी खरीदी नहीं पता। यदि वह 16 टेबलों को 5060 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह आपको पता करना है। अब आराम से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। यदि वह 16 टेबलों को 5060 रुपए में बेचता है, तो भैया एक काम करो ना, 275 में कुछ टेबल लाए थे लेकिन 5060 में आपने बेच दी, तो एक काम करो, जितनी आपने बेची है ना उसी क्या, जितनी टेबल आपने बेची है ना उतनी ही टेबल का आप खरीद मूल्य पता कर लो, तो प्रॉफिट लॉस की कंडीशन का पता चलेगा। जैसे देखो 275 की दर से 16 बेच रहे हैं तो 16 खरीद लेंगे, 16 × 5 = 80, 8, 16 × 7, 7 × 6 = 42, 4 × 7 = 112 और 8 × 120 = 12, 3212 हो जाएगा। 4400 रुपए में आपने चीजों को खरीद लिया और आप बेच कितने में रहे हो बताओ? बेचने का तो सीधा बोल दिया, 16 उन्होंने 5060 में बेची। अब हमारे बराबर की कंडीशन, जितनी खरीदी उतनी बेच रहे, 4400 में खरीद कर 5060 में बेचोगे तो सीधी सी बात है लाभ होगा कितने का लाभ? यहाँ 600 और ये 60, 660 का लाभ कितने पर? 4400 पर गुणा 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 22 की टेबल में 3 बार, 22 की टेबल में 2 बार, 30/2 करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 15%। अब जिस बच्चे ने 15 सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं सभी बच्चे, बताइए। ओके बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया इसका आंसर।
जो भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सबसे ऊपर दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी ये पेड बैच का जो लिंक है वो पेस्ट किया हुआ है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो ट्रिकी मैथ्स सर्च करोगे, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी हमारी, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मनीष ने 225 रुपए की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपए की दर से किताबें बेच दी, 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगी? पहले एक काम करते हैं, अगर हमें 7 पर लॉस पता करना है तो पहले हम 1 पर कितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी करेंगे। तो देखो 225 की दर से आप खरीद रहे हैं और 162 की दर से आप बेच रहे हैं, तो नो डाउट आपको यह नुकसान तो हो रहा है। कितने का देख लो, 5 में से 2 गया तो हम पता करेंगे हानि हुई कितने की, 5 में से 2 गया 3 की, 12 में से 6 गया 63 की हानि। तो अब बताओ उसका हानि क्या होगी कुल 7 पर, तो आप बताइए यहां से 7 पुस्तक पर कुल हानि क्या हो जाएगी। तो भैया जब 1 पर 63 है तो 7 पर 7 × 3 = 21, 2 = 42 और 2 = 44, 441 रुपए की हानि होगी। और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए क्लियर है, उम्मीद करता हूं ऐसा प्रश्न तो गलत आप नहीं करने वाले। पहला 1 का पता कर लीजिए और फिर जितनी पूछी उसे मल्टीपल कर दीजिए। टारगेट इस बैच का पता होगा कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स इस बार मैथ्स में जरूर लाने हैं। अच्छे से पढ़ के जाओगे तो नो डाउट, जब आप खुद जब इन सब को मिलाकर देखना एक बार अच्छे से कोर्स होने के बाद, आपको फिर पता खुद पता चल जाएगा, आप डेफिनेटली पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ओके चलिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है, लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो सबसे पहले तो अपना मैं क्रय लिख रहा हूं बार बार ताकि आपके दिमाग में एकदम चीज क्लियर हो जाए, क्रय मतलब खरीदना होता है। 220 में खरीदा, 20 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य लाओ, तो नो डाउट हम विक्रय मूल्य लाएंगे। 100 पर 20 का लाभ तो विक्रय मूल्य कितना हो, 120 हुआ ना, तो 220 × 100 में खरीदा तो हम विक्रय मूल्य कितना अंकित करेंगे, 120 हो जाएगा। 0 से 0 करेंगे, 12 × 2 = 24, 2 = 24 और 2 = 26, 264 आपका आंसर होना चाहिए था। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने यही आंसर सोचा होगा। अब देखो भी मैंने यहां पर देखो एग्जाम का नाम वगैरह लिख दिया है, ठीक है भी, जिनको लगता है अभी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होते नहीं आते तो आप मत पढ़िए, ठीक है भी, आप चिंता मत कीजिए कि आप तैयारी नहीं करोगे तो सीटें खाली रह जाएगी। इसके लिए बच्चे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जिनको अच्छा लगता है पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं लगता है अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे और अब आपको बार बार ये नहीं कह सकते ये कर लो वो कर लो। अगर आपकी इच्छा है जॉब करने की, मेहनत करने की, तो डेफिनेटली आप कर रहे होंगे, ठीक है भी, और नहीं करना है तो बहुत सारे बहाने होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आते, ये बात नहीं होती, ये सिलेबस में नहीं है। अब मैं तो कल को ग्राफ के क्वेश्चंस कराऊंगा और आपके ग्राफ तो कहीं सिलेबस में लिखा हुआ ही नहीं है कहीं अलग से कि ग्राफ के क्वेश्चंस बनेंगे, आयु संबंधी क्वेश्चंस बनेंगे या जो भी, मतलब साझेदारी का कोई क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में हमेशा बनता है, समझ रहे हो। नहीं पढ़ने वाला सीधा कहेगा ये तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके लिए है ना थोड़े प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने पड़ते हैं। अंधाधुंध तैयारी करोगे तो सीधी बात है फिर उसमें लगेगा कि नहीं आने वाला, डेफिनेटली सही तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ओके बाकी समझदार तो आप बहुत हो ही चुके हैं तो समझाने की तो जरूरत है ही नहीं वैसे भी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल सा, मेहनत कर लो भी जितने भी हमारे बच्चे हैं, और डेफिनेट बहुत सारे बच्चों ने इतने शानदार नोट्स बनाए, जब मैंने अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों से नोट्स मंगाए थे, मतलब इतने सारे बच्चों के इतने शानदार नोट्स जो पहले दिन से कंटिन्यूसली अपनी तैयारी में लग चुके हैं वो, और मैं प्रयास करूंगा जल्दी उन बच्चों के जो मेरे पास सब कलेक्ट हो चुका है तो उन बच्चे के नोट्स आप लोगों सब बच्चों को यूट्यूब के ऊपर भी बताएंगे कि कितना एफर्ट कर रहा आज के टाइम स्टूडेंट। ओके चलिए, 600 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताओ। अब देखो बेचने पर 20 का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य बताओ। देखो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन में है लेकिन बनता ये सबसे ज्यादा है।
और आज साक्षात रूप में अगर आप इसको देखना चाहे तो कल रीट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी बहुत सारे एग्जाम एसएससी में तो ये खुद आ चुका है, आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 600 रुपए की एक पुस्तक बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना है बोलो, 600, 20% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य बताओ। मैंने क्या बोला था, 100 पर 20 का लाभ कहां पहुंचे 120 पर, ये तो तकलीफ नहीं दे रहा ना, बढ़ा भी सकते हैं, हानि होती है घटा सकते हैं। मैंने क्या बोला था, बेचने का मूल्य दिया होगा तो खरीदने का पूछेंगे, खरीदने का दिया होगा तो बेचने का पूछेंगे। तो आज बेचने का देकर खरीदने का पूछा है, तो जो बात पूछी उसको ऊपर रखेंगे। खरीदने का मूल्य 100 बटे में 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 60 घटा 5 बार 50 इंटू 10 करेंगे तो खरीद मूल्य आ गया 500 रुपए, 500 इज द राइट आंसर, ये आपका उत्तर बनना चाहिए था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सबसे अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन। ओके, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है बोलो, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो का मतलब गुणा ही होता है। अब जैसे ही मैं ये चीज लिखूंगा मुझे पूरी उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को एक इंपॉर्टेंट बात याद आ रही होगी। जल्दी से मुझे बताओ इसको देखकर आपको किसकी याद आ रही है, जल्दी मैसेज करके बताओ। डेफिनेटली आपको एक चीज की याद आ रही होगी, वो होगा आप लोगों का रेशियो का एक क्वेश्चन जिसमें मैंने बोला था कि जब भी ये दोनों मल्टीपल में होते हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2a = 3b, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ याद आ रहा है, शायद आपको पता हो 3-4 हजार करोड़ वर्ष हमने पहले पढ़ा था कि 2a = 3 है, तो 2 into a कह सकता हूं, इंटू है ना ये, फिर नहीं है कुछ। और मैंने बोला था जब ये इंटू में हो और बराबर का साइन हो तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं 2-3 का विपरीत तो हो जाएगा 3:2। अब इस बात को थोड़ा और गौर से समझ लो, a की वैल्यू 3 आई ना, यहाँ 3 रखो, b की वैल्यू 2 आई, यहाँ 2 रखो। तो देखो 2 into 3 6 होता है, 3 into 2 6 होता है, इसीलिए तो बराबर का साइन है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये मल्टीपल में हो तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां सोचना है कि जब क्रय और विक्रय दोनों गुणा में हैं तो अनुपात के रूप में एक दूसरे के विपरीत होंगे, 12:15। अब आप चाहो तो इसको सरल भी कर सकते हो, चाहो तो नहीं तो ऐसे ही सोल्व करना चाहो तो वो भी उत्तर वही बनेगा, रेशियो तो कट जाएगा। 12 से 15 में बोलो 3 का लाभ 12 के ऊपर गुणा 100, 3 से 12 चार बार, 4 से ये 25% लाभ होगा, क्या हो जाएगा 25% प्रॉफिट। अब मुझे बताओ सभी लोग समझ में आ चुका है, एक बार सब बच्चे जय हिंद का मैसेज लिख दो, सभी बच्चे एक बार जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए। मैं फिर से रिपोर्ट करूंगा इस क्वेश्चन को, चिंता नहीं करें, बिल्कुल फिर से, और 2-3 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए होंगे। ये जय हिंद का मैसेज आपको पता है मैं क्यों बोला था आप लोगों से, बताओ जल्दी से कि आप लोगों से मैं रोज जय हिंद का ये मैसेज क्यों बुलाता हूं, ताकि आपको अभी से आदत पड़ जाए कि जब आप वर्दी में होंगे तो आपको बार बार, ठीक है, भी इस चीज को याद रखना है कि ये जो जय हिंद है मैं वर्दी के रूप में जल्दी बोलना है, पर उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला, बड़ी बड़ी बातें करके एक घंटे में आप लोगों का मनोरंजन कर दूंगा उसका कोई औचित्य नहीं, एक्चुअल में तो इनसे माथा फोड़ी करनी ही पड़ेगी, इनको क्लियर करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए तो बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, हर एक बेसिक बात क्लियर करो तो निश्चित रूप से आप सफल जरूर होंगे और अच्छे मार्क्स से सफल होंगे इस बार। ओके चलिए इधर देखो, मैं एक बार रिपीट करता हूं, मैंने ये बोला था कि जब क्रय और विक्रय गुणा में है तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्या होंगे विपरीत, तो अनु वैल्यू क्या बन जाएगी, 15 और 12 का ऑपोजिट 12 और 15। मैंने बोला ये कट रहा है तो कट काट के भी सोल्व करोगे तो उत्तर वही आने वाला, ये 3 बन जाएगा, ये 5 बन, सॉरी ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, 1/4 × 100 उत्तर वही बनेगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए वही वैल्यू रख दी मैंने, 12 से 15 में 3 का लाभ 12 पर गुणा 100। अब एक क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे ना तब मुझे लग जाएगा
कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में आ तो रही है, थोड़ी आ रही पर आ तो रही है। चलो इस प्रश्न का आंसर दीजिए फिर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए क्या आंसर रहने वाला है इस प्रश्न का। अब इसका उत्तर थोड़ा फास्ट देना आप लोगों, है ना। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देखो 80 का क्रय मूल्य किसके बराबर है बोलो, 50 का विक्रय मूल्य। क्लियर है? तो यहां से बताइए क्रय और विक्रय में क्या वैल्यू बनेगी, 80 और 50 का विपरीत क्या होगा। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है 50 और 80, आप चाहो तो 0 कट करके 5 और 8 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी निश्चित रूप से। 50 80 में बोलो 30 का लाभ 50 के ऊपर गुणा 100, 50 से 100 कटा 2 बार, लाभ हो जाएगा 60% प्रॉफिट। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो के लिए भी आप आरएस अग्रवाल वाला पेज ज्वाइन कर सकते हो, जो भी बच्चा वीडियो वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वो आरएस अग्रवाल का एक बैच है हमारा कंप्लीट बुक सॉल्यूशन, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें भी थ्योरी पूरा पोर्शन समझा के फिर आप लोगों के टॉपिक बाय टॉपिक जो बुक में क्वेश्चन है वो करवाएंगे। ओके आगे बढ़ते, अब ये भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है कि 27 वस्तुओं का लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 27 वस्तुओं का लागत मूल्य कह दो या क्रय मूल्य कह दो, एक ही है, 18 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। तो लागत और विक्रय, तो मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि ये दोनों अगर गुणा में हैं तो ऑपोजिट होंगे 18 और 27। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आप लोगों को, 9 का। कितने पर? 18 पर, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस हो जाती है ऑपोजिट होते ही, गुणा 100। 9 से 18 दो बार, 2 से 100 बोलो, 50% प्रॉफिट होगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? बी इज द परफेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी यहां पर बी सोचा है बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं। ओके तो ये ऑपोजिट वाली बात थोड़ी आपको समझ। अब देखो एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, वो ऐसे लिखता है कि 27 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो जब आप ऑपोजिट करो उसमें क्या करोगे, ऑपोजिट करोगे ना तो इधर विक्रय मूल्य आएगा इधर क्रय मूल्य, वो लैंग्वेज ध्यान रखना, वो ऐसे दे देगा। देखो ध्यान देना मेरी बात को, 27 का विक्रय मूल्य 18 के क्रय, 18 वैल्यू चलो मैं चेंज कर देता हूं, 30 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने क्या बोला है कि ऑपोजिट तो हो जाएंगे, नो डाउट ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा कि अभी 27 30 का ऑपोजिट 30 और 27, लेकिन ध्यान रखना क्रय मूल्य इधर है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। 27 से 30 में 3 का लाभ 27 के ऊपर गुणा 100, ऑपोजिट तो हुआ है, लेकिन हर बार ये जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़े ना, यहाँ देखो लागत पहले आई, यहाँ देखो क्रय मूल्य, लागत या क्रय मूल्य पहले आया, इस वाले में भी क्रय मूल्य पहले आया था, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। चलो क्लियर है? तो देखो 18 से 27 में 9 का लाभ 18 पर गुणा 100। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है भी, 50 का विक्रय, ये देखो मैंने जो कहा था वो आ गया, चलो बहुत बढ़िया, आपकी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो जाएगी। 50 का विक्रय मूल्य 45 के क्रय मूल्य के बराबर है। अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन गया, इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन है बस ये। तो आप मुझे बताओ 50 और 45 का ऑपोजिट 45 और 50, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि क्रय मूल्य भाई साहब इधर पड़े हैं। इस चीज का अगर आप ध्यान रख लोगे तो तकलीफ नहीं होने वाली। मुझे बताओ 50 से 45 कितने का लॉस हुआ, हानि हो रही है, ध्यान रखना। 50 से 45 में बेचोगे 5 का लॉस 50 के ऊपर गुणा 100, 0 से 0 5 से 5 तो हानि होगी 10% हानि, और ये आपके कौन से ऑप्शन में, डी इज द परफेक्ट आंसर। जिन्होंने भी डी सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पहले विक्रय मूल्य बाद में लागत है, तो यहाँ देखो विक्रय मूल्य आ चुका है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इधर दिया है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सॉरी अगला क्वेश्चन,
2500 अंकित मूल्य एक शर्ट को 2200 में मिल रही है तो कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई? तो आप मुझे एक चीज बताओ, 2500 की एक शर्ट है, यहाँ पर मान लीजिए शर्ट है, ठीक है, इसको कितने में दिया जा रहा है? 2500 की शर्ट को 2200 में बेचा जा रहा है, तो डिस्काउंट कितने का मिला? 300 का डिस्काउंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, लेकिन डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है, मार्क प्राइस पर। अरे भाई ये क्या हो गया? ठीक है, तो 300 कितने पर? 2500 पर डिस्काउंट मिला अंकित मूल्य पर गुणा 100। 0 से 0 25 से ही है, 100 चार बार, 4 × 3 डिस्काउंट परसेंटेज इज 12%। डी इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अरे बिल्कुल सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस क्यों नहीं होगा, ठीक है। मैंने बोला है एक या दो दिन के बाद आप लोगों की इवनिंग और ये मॉर्निंग दोनों सेशन में चलेगी भाई, बाकी हमारे टॉपिक है हम आराम से कर लेंगे, चिंता मत करो, है ना, टेंशन मत करो इस चीज की, बहुत अच्छे से कवर, हर टॉपिक को कितना डिटेल से कवर करा रहे हैं आपको। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 है और विक्रय मूल्य 225 है तो लाभ बताओ। तो 200 की चीज अगर 225 में बेची जा रही है तो लाभ 25 का कितने पर? ये इजी वाला क्वेश्चन पीछे रह गया, कोई नहीं, 200 पर गुणा 100, तो आप बताइए 25/2 हो जाएगा 12.5%। ये टाइप पढ़ लिया था पर एक पीछे रह गया, कोई नहीं, 200 से 225 में 25 का लाभ 200 पर गुणा 100 12.5। आगे देखिए, एक वस्तु 15% डिस्काउंट देने के बाद 4777 में बेची गई तो आपको अंकित मूल्य लाना है, ध्यान रखना। अब मैंने एक चीज बोली थी, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तब आप एक चीज बताओ, 15% छूट देने के बाद तो 100 पर अगर 15 का डिस्काउंट कहां पहुंचे? 85 पर। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब आपको क्रय मूल्य दिया होता है तो आपसे विक्रय मूल्य पूछते हैं, और जब विक्रय मूल्य दिया होता है तो क्रय मूल्य, वैसे ही जब आपको अंकित मूल्य दिया होगा तो सेलिंग प्राइस पूछेंगे, और जब सेलिंग प्राइस दी होगी, बेचने वाला मूल्य दिया होगा तो अंकित पूछेंगे। तो ये हमारा अंकित मूल्य होता है, ये हमें लाना है इस बार 477 × अंकित मूल्य ज्ञात करना, जो बात पूछी जाए वो हमेशा ऊपर रहती है, अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है, जो पूछा जाए उसको ऊपर रखिए, 100/85। अब देखो 5 की टेबल में 20 बार, 5 की टेबल में 17, 17 × 2 = 34, 11 117 है, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 117 है तो 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 119, 6 × 42 प्लस 117, 4777 है ना, 34 फिर 6 × 7 = 137, फिर 8 बार, फिर 1 बार, 281 बार कटेगी। अब देखो 0, 2, 16, 4 और 1 = 5, 5620 और 5620 आपके सी ऑप्शन में है। क्लियर है? एक बार वापस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखो 100 पर 15 का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 85। अब देखो बेचने का मूल्य दिया है वह तो वापस लाने की जरूरत नहीं है ना, क्रय अंकित मूल्य लाना है, तो जो बात पूछी वो हमने ऊपर रख दी, बटे में 85, 5 से 20 बार, 17, 17 से 281, 0 का 0 2 1 2, 16 और 1 17, 8 × 2 = 16, हासिल 1 4 और 1 = 5, 5620 इज द राइट आंसर। ओके, 20% डिस्काउंट के बाद 5630 में बेचा गया, बेच तो दिया है ना, तो वस्तु का अंकित मूल्य लाओ, ठीक है, वापस ध्यान देना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में बात याद रह जाएगी, क्रय मूल्य से विक्रय लाना होता और विक्रय दिया होता तो क्रय, वैसे ही अंकित मूल्य से बेचने का मूल्य या बेचने के मूल्य से अंकित मूल्य, तो 5360 में बेचा गया तो आप मुझे बताओ बेचा कितने में? 5360 में, और 20% का डिस्काउंट 80 पर अंकित मूल्य लाना है, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 100/80, तो 0 से 0, 8 से देखो, 8 × 6 = 48, 5 × 8 = 56, तो आ जाएगा 6700,
और 6700 आपके ए ऑप्शन में है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना बहुत अच्छे से एकदम सही क्लियर करना पड़ेगा। सर एसएससी जीडी का बैच करो, अभी एसएससी जीडी का ही चल रहा है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। मैंने पहले ही बोला था अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ाकर अंकित करते हैं। यदि 20% के लाभ पर बेचा तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले देख लो, मान लो ये एक वस्तु है, ये उसका अंकित मूल्य है। तो देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो सुनना आराम से, 100 से 60 अधिक कहां पहुंचे, 160 पर। मुझे बताओ इतना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना। अगर कहते 10% अधिक है तो 100 से हम पहुंच जाते 110 पर, 10 कम है तो 100 से हम पहुंच जाते 90 पर। वैसे ही 60 अधिक है तो 160 पर। यदि इस वस्तु को 20 के लाभ पर बेचा, इसका विक्रय मूल्य क्या आया बताओ, बेचने का मूल्य 120। आपको सर 120 कैसे लिखा, यहां देखो 20 का लाभ हो रहा है, 20 की हानि होती तो मैं ऐसे लिख देता, 10 की हानि होती तो 90 लिख देते। अब मुझे एक चीज बताओ, हमें पूछा है छूट का प्रतिशत ज्ञात करो, यानी बट्टे का दर लाना है, बट्टे का प्रतिशत। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बट्टा किसके ऊपर दिया जा रहा है, जल्दी बताओ बट्टा किसके ऊपर मिलेगा, 100 पर या 160 पर। अरे भैया आपको लिखाया था शुरू में ही कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो 160 से 120 में बेचा तो डिस्काउंट तो 40 का, कितने पर मिला, 160 पर, परसेंट के लिए गुणा 0 से 0, 4 से 16 4 बार और 4 से 100 25% डिस्काउंट। और ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट वाला उत्तर। क्लियर है सभी को, ऐसे इस प्रश्न को हल करना था। अच्छा प्रश्न है, मुझे पता है इसको रिपीट करना पड़ेगा, तो मैं एक बार इसको रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60 ज्यादा है, क्रय मूल्य ने खरीदा 100 में तो अंकित मैंने कितना करा दिया, 160। यदि इस पर 20% का लाभ कमाते हैं तो लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पर होती है, 100 पर 20 का लाभ 120। भाई 100 पर हम डायरेक्ट बढ़ा भी सकते हैं, 100 पर हम डायरेक्ट घटा भी, लेकिन कोई कहे ना 160 का 20% बढ़ाओ तो सीधा 180 मत कर देना, फिर 32 बढ़ेगा वहां पर और 32 बढ़कर 192 होगा। ओके 160 पर 20 बढ़ाकर 180 नहीं करना, 160 का 20% लाना पड़ेगा। ओके ठीक है, अभी तो यहां पर हमें आपको पता है लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पर होती है ना, इसलिए 100 से 20 120। अब बताओ 160 से 120 में डिस्काउंट कितने का, 40 का, 160 पर गुणा 100 25%। आगे देखो 12.5% डिस्काउंट देने के बाद 5845 में बेचा तो अंकित मूल्य लाओ। अभी जो 12.5% वाला क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ मैंने इसीलिए किया है कि ताकि आप लोगों को चीजें याद है या नहीं है उस चीज का पता चल सके। अरे भैया मैंने सारी टेबल बहुत अच्छे से आपको याद करने को बोला था, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है हमें बार बार। तो जिसने अभी भी याद नहीं की है, थोड़ा सा खुद पर रहम कीजिए और इनको याद कीजिए। ठीक है, लिख देता एक बार वापस में, 11 से 1/9%, 1/9, 9 से 1/11%, 1/11, 14 से 2/7%, 1/7, 28 से 4/7%, 2/7, 33 से 1/3%, 1/3, 12.5%, 1/8, 16 से 2/3%, 1/6, 66 से 2/3%, 2/3, 10%, 1/10, 20%, 1/5, 25%, 25% इक्वल टू 1/4, फिर आपका 75% इक्वल टू 3/4। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। आप ये एक बार बढ़िया से कॉपी में लिख दो, फिर हम आगे की ओर।
एक बच्चे का चैट बॉक्स में नाम रखा हुआ है, सनकी किम जोंग। इतने नाम सूझ जाते हैं तुम्हें, अजीब गरीब नाम है ना। अच्छा ही रख लो, कुछ भगत सिंह रख लो, चंद्रशेखर रख लो, महात्मा गांधी जी रख लो, किम जोंग खतरनाक, और सनकी किम जोंग ऐसे कुछ लिखा हुआ था। एक बच्चे का तो और भी नाम था, वो तो शायद हमारा ऑफलाइन बच्चा भी है, सरपंच का पड़ोसी। एक और भी है रावण भी रखा हुआ है, ऐसे अजीब गरीब नाम है। चलिए ओके, तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। 66 2/3% 2/3। अब बातचीत करते हैं हम आगे की, यहां इस क्वेश्चन की भी, क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करना था। तो मैंने आपको बोला था 12.5% का छूट दिया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में मूल्य कम होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर अंकित मूल्य हमारा 8 रहा होगा, तो 8 पर अगर एक यूनिट ऊपर वाली कम हुई, तो 8 पर एक कम होकर हम 7 पर पहुंच गए, ये अपना विक्रय मूल्य आ गया। अब वो कह रहा है बेस तो हमने दिया अंकित लेकर आओ, तो मैंने बोला ना ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया ना, उसके लिए इससे इजी टॉपिक फिर कुछ नहीं लगेगा, जिसको ये पता चल गया कि क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है। ठीक है, और थोड़े समझदार ऐसे भी बनो कि ये वैल्यू दे रखी है और सारे ऑप्शन देख रहे हो इससे ज्यादा है, तो 100% वैल्यू ऊपर अधिक रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऊपर अधिक रखोगे तो उत्तर भी अधिक आएगा, ऊपर कम रखोगे तो उत्तर भी कम आएगा, ये लॉजिक याद रखा करो। ठीक है, तो अंकित मूल्य लाना है तो ऊपर 8/7, वैसे मैंने सिंपल बता रखा, जो बात पूछी जाए वो हमेशा ऊपर रखनी। ओके, 7 से देखो, 8 7 56, 2 7 21, 3 7 5 35, तो 8 45 4 24 4 28 2 64 2 66, 6680 इज द राइट वाला उत्तर। अब उम्मीद करता हूं किसी ने गलत नहीं किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ये जीडी वाला बैच है भी, जो पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी जीडी वगैरह वाई गुरु, उन सब के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई बच्चा अगर लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, एमपी पुलिस की, या फिर जो आर्मी जीडी की वाई ग्रुप की, तो इस कॉमन बैच को फिर देखो, ये डेडिकेटेड बैच तो एसएससी जीडी है, लेकिन यूजफुल फिर इन एग्जाम्स के लिए रख सकते हो आप, एसएससी एमटीएस हो गया, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो गए। ठीक है, उनके लिए बच्चा चाहे तो पढ़ सकता है। और मैंने बताया जो भी वीडियो की तैयारी कर रहा है, पटवारी की तैयारी कर रहा है, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है, या फिर यूपीएसए की तैयारी कर रहा है, फिर वो बच्चा आर एस अग्रवाल वाला जो हमारा बैच है उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चल एक कलम के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:2, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अभी। एक कलम के ठीक है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है। तो एक काम करते हैं ना, क्रय मूल्य इधर रहता है क्योंकि क्रय मूल्य पहले आता है, पहले वस्तु खरीदते हैं, 3:2 है। तो मुझे एक चीज बताओ, पहले अंकित है क्रय, अंकित मूल्य 3 है, क्रय मूल्य 2 है, तो मैं यहाँ 2 रख दूं भले और यहाँ 3, बस इसको मैंने सीक्वेंस को चेंज किया ताकि देखना भी क्या फायदा होगा। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, अंकित मूल्य और विक्रय, तो आप बताओ अंकित मूल्य है ना कितना 5 और विक्रय मूल्य कितना है 4। आप मुझे बता सकते हो मैंने अंकित को बीच में क्यों रखा? अरे भैया, मैंने अगर आपको पता हो तो अनुपात नाम की एक बात आपको अच्छे से पढ़ाई थी, मैंने बोला था ए बी और बी सी में बी कॉमन होता है, ए बी और ए सी में ए कॉमन होता है, बोला था ना, तो जो कॉमन आता है वो हमेशा मिड में रहता है। इधर भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, इधर अंकित और विक्रय, तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा? अंकित, तो अंकित को बीच में रखा, इधर क्रय से तुलना होगी, इधर विक्रय से। आप कहोगे सर यहाँ तो 3 दो दिया हुआ था, अरे भैया 3 में अंकित 3 था, क्रय 2 था, तो सेम है ना, अंकित 3 है, क्रय 2 है। अब मैं यहाँ 3 को बढ़ाऊंगा, यहाँ 5 को, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, ये अनुपात आ गया। मुझे बताओ खरीदा कितने में? 10 में। विक्रय यानी बेचा कितने में? 12 में। क्या मुझे लाभ हानि बता सकते हो? 2 का लाभ कितने पर? 10 पर। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 10 पर ही क्यों, 15 पर क्यों नहीं? पहली बात मैंने बोली थी, लाभ और हानि तो भैया क्रय मूल्य पर होती है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। तो 2 का प्रॉफिट 10 के ऊपर गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 20% प्रॉफिट इज द राइट आंसर,
सी इज द परफेक्ट आंसर। एक बार मैं रिपीट करूंगा, मुझे समझ में आ जाता है, आप लोगों की चैट की स्पीड से पता चल जाता है कि मुझे इसको रिपीट करना पड़ेगा। हाँ बट्टे से भी हल कर सकते हो, बट्टे से भी उत्तर तो वही आने वाला ना, बट्टे को ही तो अनुपात सामान्य तो अनुपात कहते हैं, 3:4 3/4। एक बच्चा पूछ रहा सर आरएस अग्रवाल किस टाइम से, देखो भी आरएस अग्रवाल वाली बुक वाला जो बैच है ना वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप ज्वाइन करोगे ना तो जितने भी वीडियो सेशन है उस बैच के वो आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप अपने किसी भी बैच टॉपिक से शुरुआत कर सकते हो। ओके चलिए, ये बैच अभी रनिंग में, इसमें 3 टॉपिक हो चुका है, प्रतिशत, औसत और अनुपात। ठीक है, अभी ये 3 टॉपिक हो चुके हैं, इसके आगे के जो टॉपिक है वो लाइव सेशन में चल रहे हैं, और एडवांस में क्षेत्रमिति और आयतन हो चुका है। ठीक है, अब कुछ टॉपिक बचे हैं जो हम जल्दी पूरा कर लें। एक बार रिपीट करते हैं, अंकित और क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, अंकित पहले है तो 3, क्रय बाद में है तो 2, तो मैंने ऐसे लिखा अंकित और क्रय 3:2, अंकित और विक्रय 5:4, अंकित और विक्रय 5:4, इधर बढ़ाया 3 को इधर बढ़ाया 5, 10, 15 और 12, 10 से 12 में वृद्धि कितने की, 2 की, कितने पर, 10 पर गुणा 100, 20% प्रॉफिट इज द राइट आंसर। अगर पूछ ले डिस्काउंट कितना मिला तो देख लो 15 से 12 में 3 का डिस्काउंट 15 पर गुणा 100, आप बट्टे का भी प्रतिशत बता सकते हैं, पूछा जा सकता, ध्यान रखना बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर। चलिए चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। किसी वस्तु को अगर 85 रुपए में बेचने की बजाय 93 रुपए में बेचा जाए तो 20% लाभ ज्यादा होता है, ज्यादा को हम अधिक बोलते हैं, क्लियर है ना। पर आपको मैंने एक बात शायद स्वर्ण अक्षरों में लिखकर बताई थी, क्या बताई थी बोलो, याद है सभी को, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी पहले अंतर को दर्शाती, ये सारी चीजें क्या दर्शाती है भैया, ये सभी चीजें अंतर को दर्शाती है, डिफरेंसेस को इंडिकेट करती है। यहां से देखो एक चीज, हम 85 की बजाय अगर हम 93 में बेचते हैं तो हमें 20% लाभ ज्यादा होता है। ठीक है, 93% मतलब कितना रुपए है ना, 93 में, तो मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं 20% लाभ अधिक होता है, जबकि आप कह रहे हो 85 से 93 में 8 रुपए का लाभ अधिक होता है। अब बताओ परसेंटेज में कितना अधिक हो रहा है, तो आप कहोगे 20%, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, और रुपए में अधिक कितना है वो हमने खुद पता कर लिया कि भैया 85 से 93 में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 8, 20% 8 का है तो 1% 8/20, और 100% बोलो तो 8/20 × 100, 20 से 100 कटा 5 × 8 = 40 रुपए में, तो ये हमारा 100 मतलब समझते हो, ये क्रय मूल्य को दर्शाता है, तो आ जाएगा 40 रुपीज इज द राइट आंसर। जिन बच्चों को सेशन अच्छा लग रहा है, जो बच्चे आज इस सेशन को डेमो के रूप में यूट्यूब के ऊपर भी देख रहे हैं, उन सभी बच्चों से उम्मीद रहेगी कि इस सेशन को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, अगर आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही है तो। और साथ ही जो बच्चा इस पेड बैच को ज्वाइन करना चाहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके चलिए, 40 रुपीज आपका आंसर बन जाना चाहिए। ऐसा एक और क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि भी आप लोगों को भी तो समझ में आए वापस, जैसे ये है अभी, ये तो उसी थोड़ा सा और इजी बन जाता है। किसी वस्तु को, मोटरसाइकिल को, अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि उसे 35,000 में बेचे तो कितना लाभ होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले देखो 24,000 में बेची आपने तो कितने का लाभ हुआ, बेचा कितने में, 24,000, तो 20 की हानि हुई, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य लाएंगे, कैसे लाएंगे बोलो, आप मुझे एक चीज बताओ, 100 पर 20 की हानि कहां पहुंचे, 80 पर, तो पहले खरीद मूल्य लाते हैं, खरीदा 100 में था बेचा 80 में, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 24 कटा 3,000, अब मुझे बताओ खरीद मूल्य क्या आ गया, 30,000। अब आपको खरीद मूल्य क्यों पता किया,
ताकि हम ये सोच सके भी 35,000 पर कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस दर्शाने के लिए क्रय मूल्य तो होना जरूरी है ना, ये तो बेचने का मूल्य है। अब मुझे बताओ 30,000 आ गया अपना क्रय मूल्य, 30,000 की चीज को अगर आप 35,000 में बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत बताओ, 5,000 का लाभ 35,000 के ऊपर, सॉरी 30,000 के ऊपर, खरीद मूल्य तो 30 है ना, और गुणा आपको भी सर 30,000 कैसे आया, तो यही तो हमने पहले किया, बेचने दिया हुआ हो तो खरीद मूल्य लाते हैं और खरीदने का दिया होता तो बेचने का। चलो देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 0 से 0, 3 का भाग दे दो कितना हो जाएगा, 30,000 ही है ना, सॉरी 100 ही है ना, तभी मैंने सोचा 0 पीछे कैसे लगे, 50/3 होता 16/2/3, पर 16/2/3 16.66 यानी 16.67% जो आपके डी ऑप्शन। थोड़ी सी एक छोटी सी गणना थी, बाकी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। अभी ये सिर्फ इस टॉपिक का आज पहला दिन है, सोचिए इस टॉपिक में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपको पढ़ानी है, जो आपके क्रमिक बट्टे का प्रश्न आता है, बेईमान दुकानदार का प्रश्न आता है, दो वस्तुएं खरीदने बेचने का आता है, एक ही वस्तु को आगे से आगे बेचने का आता है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस है हम आगे चलकर इसमें डिस्कस करने वाले, क्योंकि इस टॉपिक का सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपके SSGD का, किसी भी बच्चे ने जिसने क्रैक किया या तो उससे पूछ लेना या साक्षात रूप में कहीं पर पेपर अवेलेबल हो तो एक बार है ना 25 क्वेश्चन देख लेना, आपको खुद लग जाएगा वाकई में इस टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज आपके SSGD एग्जाम में। ओके चलिए, ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता, यदि इसे 25 के लाभ पर बेचा जाता 35 रुपए अधिक प्राप्त होते तो क्रय मूल्य लाओ। वो कह रहे हैं मैं पहले 20% लाभ पर बेच रहा था, अब मैं अगर 25% लाभ पर बेचूं तो फिर मुझे 35 रुपए अधिक मिल जाते। देखो पिछले और इस क्वेश्चन में एक बात नोटिस की, इस वाले में यहां देखो रुपए देकर परसेंटेज में अंतर दिया हुआ था, देखो रुपयों का अंतर देकर परसेंटेज दिया हुआ था, और इस वाले में यहां 2% देकर रुपयों में अंतर दिया है। मुझे बताओ पहले 20 का लाभ हो रहा था अब 25 का लाभ हो रहा है तो अंतर कितने का पड़ा, 5 का, परसेंटेज में तो 5 का है तो मुझे बताओ नंबरों में कितने, रुपए में कितने का, 35, तो 1% कम और अधिक क्या दर्शाते अंतर को, 1% 35/5 कितने का पड़ा, 7 का, और 1 7 का है तो 100 बोलो, 7 × 100 हो गया 700, 700 इज द राइट आंसर। ओके उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरी ये बात समझ में आई होगी, सारी जो चीजें मैंने बताई इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, जो भी आज मैंने क्वेश्चन थ्योरी पोर्शन और ये जो क्वेश्चन कराए इनको बढ़िया से तैयार कीजिएगा और नोट्स कंटिन्यू बनाते रहिएगा। PDF तो अपलोड होती है लेकिन वो सिर्फ आपके नोट्स बनाने के लिए, मैंने पहले ही बोला था एप्लीकेशन में तो आपकी वैलिडिटी है तब तक रहेगी, उसको मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐप में तो वो डाउनलोड करके आप कितनी बार भी पढ़ सकते हो और उससे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नोट्स बनाने की आदत जरूर रखनी है अगर आपको यहाँ पर इस टारगेट को अचीव करना है। सेशन उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को अच्छा लगा होगा और बढ़िया से मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आप जरूर सफल होने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।